अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन टाइम। फ्रेश स्ट्रॉबेरी मिल्क बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। स्ट्रॉबेरीज चाहिए हमें 10 से 12 अदद, बारीक बारीक काट ली हैं मैंने। 1 कप चाहिए हमें दूध, 4 खाने के चम्मच चीनी चाहिए, और अलग से 2-3 हमें स्ट्रॉबेरी चाहिए ऐसे कटी हुई छोटे छोटे पीसेस में। ब्लेंडर जार मैंने लिया है, इसमें मैंने स्ट्रॉबेरीज और जो चीनी थी वो डाली है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। स्ट्रॉबेरी और चीनी को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर, ये देखें स्ट्रॉबेरी और चीनी को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये बिल्कुल ऐसे हो चुकी है। अब हम एक बोतल लेंगे या ग्लास लेंगे, जो भी आप चाहें ले सकते हैं। ये देखें बोतल ली, और मैं इसमें ये जो हमने मिक्सर तैयार किया था ये डालूंगी, ये डालूंगी। ये देखें स्ट्रॉबेरी के मिक्सर को इस तरह मैंने डाल लिया बोतल में। अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध मैंने फुल क्रीम मिल्क वाला लिया है, आप भी वही लीजिएगा डब्बे वाला, इससे बहुत अच्छा बनता है। इसी तरह हम दूध डालेंगे इसमें। ये देखें दूध डाल गया, दूध मैंने डाल लिया है। अब हम इसमें ये जो स्ट्रॉबेरी के पीसेस हमने किए थे वो डालेंगे, जितने चाहें आप डाल सकते हैं अपनी पसंद से। बोतल में मैंने ये देखें स्ट्रॉबेरी के पीसेस डाल दिए हैं ऊपर से। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे 2-3 घंटे के लिए, जब तक ये ठंडी नहीं होती। फिर इसके बाद जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके फिर हम पियेंगे। ये तीनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी, फिर हम इसको पियेंगे। बहुत ही मज़े का बनता है, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो फ्रेश स्ट्रॉबेरी मिल्क की, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।